गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको अपना रूम टूर देने वाली हूँ। एक्चुअली जो नहीं जानते हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि इस चैनल के ऊपर सबसे पहले तो मोटिवेशनल वीडियोज आती हैं, इस चैनल के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो आती है पढ़ाई से रिलेटेड, और व्लॉग्स भी आते हैं, मिनी व्लॉग्स भी आते हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं अपने रूम का टूर दूंगी। मैं रहती कहाँ हूँ? मैं बैंगलोर में रहती हूँ। क्या मैं बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ? नहीं, मैं बैंगलोर से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं यहाँ जॉब करती हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ रह रही हूँ। एंड मेरे ऑफिस के पास ही मैंने एक पीजी ले रखा है जहाँ पर मैं रह रही हूँ। तो पीजी में रूम टूर देने वाली हूँ आपको, और प्राइसिंग वगैरह सब बताऊंगी, खाना कैसा मिलता है वो भी बताऊंगी, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है, स्टे ट्यून इन द व्लॉग। जल्दी से शुरू करते हैं, मैं आपको अपना पूरा रूम टूर देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये रूम एक सिंगल रूम है। सो दिस इज माय ओपनिंग ऑफ द रूम एंड दिस इज माय रूम हाउ लुक्स लाइक। तो ये रूम एक्चुअली मैं यहाँ पर ज़्यादातर रूम ना मैंने ऐसे ही देखे हैं कि हाय तो यहाँ पर ज़्यादातर रूम मैंने ऐसे ही देखे हैं पार्टीशंस लगे हुए, बिकॉज़ ना हम अगर ज़्यादा स्पेस है तो रूम बना दे पार्टीशन लगा के ऐसा कुछ। तो ये पार्टीशन लगा के ही है। ये वाला पोर्शन वॉल का पोर्शन है, वो वाला भी वॉल है, इधर पार्टीशन है, इधर पार्टीशन है। ठीक है, तो देख सकते हो आप मेरे रूम की सिचुएशन। इतना गंदा तो नहीं रखती हूँ मैं, बट ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेरी अलमारी से। ये मेरा कुछ खाने पीने का सामान है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, मम्मी ने घर से कुछ भेजा था, बाय द वे मुझे चोट लग गई है ना। और फिर वो मेरी केटल है, जो भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हॉस्टल एसेंशियल्स, अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट से देखो। एंड येस, दिस इज़ माई अलमीरा। एंड ये है बेड हमारा, बेड अच्छा है बड़ा, ठीक है। और येस, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। और बैंगलोर में वैसे ज़्यादा कुछ ठंड पड़ती नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ रज़ाई वज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरा तो इस ब्लैंकेट में ही काम चल जाता है। और दिस इज़ द टेबल विच दे प्रोवाइडेड, ठीक है। ये वाले टेबल बढ़िया टेबल है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ अपना सामान रख रखा है, लेट्स इग्नोर दिस, ठीक है। और बेड के नीचे भी मैंने अपना सामान रख रखा है, ये मेरे जूते चप्पल पड़े हैं, ठीक है। और ये एक इन्होंने चेयर इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। एंड दिस इज़ माय ट्राइपॉड, दिस इज़ माय रिंग लाइट, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये है मेरा प्यारी सी अच्छी सी बालकनी, जो मैं आपको छत भी दिखाऊंगी इफ़ यू वांट। और सामने एरिया एक्चुअली बहुत अच्छा है, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, ये एरिया बहुत शांत है। वैसे फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी लग नहीं रहा होगा, बट जनरली एरिया बहुत शांत है। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि सामने आपको जो वो दिख रहा है पीजी है ना, इसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है। सामने वाली बिल्डिंग है और ये हमारी वाली जो बिल्डिंग है, ये दोनों बिल्डिंग एक ही पीजी है, मतलब सेम पीजी है, ठीक है। तो मतलब ऐसे शिफ्ट कर रखा है, कुछ लड़कियाँ वहाँ रहती, कुछ लड़कियाँ यहाँ रहती, तो दो बिल्डिंग्स हैं इस पीजी की। एंड ये पीजी लिटरली बहुत अच्छा है, देखोगे आप यहाँ पर ग्रीनरी कितनी है ना। ये पास में पता नहीं किसी का घर है, तो ये बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। और साफ़ सफ़ाई भी इस एरिया में बहुत अच्छी है, ठीक है। और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से मेरा रूम है अंदर की साइड से। तो चलिए रूम में जाते हैं वापस। तो मुझे एक्चुअली सिंगल रूम चाहिए था, क्योंकि ना वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस बनाने के लिए शेयरिंग जब हम रूम में रहते हैं तो दिक्कत होती है पार्टनर को, जो भी हमारा रूममेट होता है, ऑफकोर्स दिक्कत तो होगी ना, सबकी प्राइवेसी होती है। दैट्स वाई मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे सिंगल रूम ही चाहिए है। तो जब मैं बैंगलोर आई थी तो मैं सिंगल रूम के लिए सर्च कर रही थी, आई थॉट कि नहीं मिलेगा मे बी, और मिलेगा तो बहुत ज़्यादा प्राइस होगी। तो मुझे रूम मिल गया 10,000-11,000 है ना, तो इतना मैं इसमें पे कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। बट ये रूम बहुत अच्छा है, पर मंथ लगता है। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वो बताती हूँ, इतना आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, लोकेलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपेंड करता है, आप कौन सी जगह रह रहे हो, है ना। अब मैं HSR में रहती हूँ, HSR लेआउट में, तो ये एरिया जो इस साइड का एरिया है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू अनदर एरियाज। मेरे ऑफिस के पास है, दैट इज़ द बेनिफिशियल पॉइंट, और मुझे ऑफिस के पास ही चाहिए था। तो ऑफिस के पास है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो आई कैन वॉक एंड गो, ठीक है। बार बार ट्रैवल का इतना खर्चा नहीं देना पड़ता, रोज़ रोज़ ऑटो, ऑटो का भी बहुत खर्चा लगता है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इस अमाउंट के अंदर। पहली चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पर तीनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच, सब कुछ आपको मिलेगा, चाय वाय भी आपको मिल जाएगी। खाना एकदम मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते, तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, मीडियोकर लेवल है ना। काम चलाना पड़ेगा आपको खाने के साथ में, समटाइम्स शायद आप ज़्यादा टाइम रह लोगे तो आपको आदत भी पड़ जाएगी इस खाने की, है ना।
बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, तो आई एम नॉर्थ इंडियन. ठीक है, नॉर्थ इंडियंस को आपको पता है चपाती चाहिए होती है, एंड यहाँ पर साउथ इंडिया में चपाती अवेलेबल नहीं होती है, तो हमेशा ये लोग राइस वाइस के पीछे भाग रहे होते हैं. तो राइस इज़ दी ओनली वे, है ना. तो अगर आप बैंगलोर आ रहे हो तो चावल खाने की आदत पहले से लगा के आना, मैं तो सही बोलूँगी, वरना कुछ दिनों तक आपको खाना नहीं सूट करेगा. क्योंकि मैं यहाँ जब आई थी ना, तो मुझे याद है 10 दिन तक मैं मतलब पीजी के बाहर ही खा रही थी खाना. बट देन आई रियलाइज कि यार तो फिर ऑफकोर्स हेल्थ पे इश्यूज आता है, और हर रोज बाहर का आप खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो डेफिनेटली, है ना, और हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं. दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि हमको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर खा रहे होते हैं, खाने का भी कुछ रूटीन जो साउथ इंडिया से आपको पता ही होगा कि लंच में वो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, ब्रेकफास्ट में जो भी इडली बनना होता है, कभी डोसा बन जाता है, कभी पराठा भी बन जाता है कभी कभी, है ना, वो मेरा दिन का सबसे फेवरेट चीज़ होता है. फिर डिनर में आप देखोगे तो भी चावल वावल ये सब चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, ठीक है, और नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए चिकन बनता है संडे को, ठीक है, और वेंसडे को बनता है यहाँ पे ऑमलेट, एग का कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ भी बन सकता है, अंडे की भुजी वगैरह जो भी है. तो ना तो मैं एग खाती हूँ ना मैं चिकन खाती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इट्स ओके. संडे को मैं मैनेज कर लेती हूँ, बाहर कहीं चली जाती हूँ या तो बाहर खा लेती हूँ. आज भी बेसिकली संडे ही है, बट मैं आज कहीं गई नहीं हूँ, है ना, आज मैं नहीं गई ऐसे ही, पर जाने का प्लान था बट नहीं जा पाई, है ना, नेक्स्ट संडे को लेट्स सी. लेकिन जब मैं नहीं जाती हूँ तो भी मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ या तो बाहर जाके खा आती हूँ, इट्स फाइन, ठीक है. तो ऐसे काम चल जाता है. तो खाने का कुछ ऐसा ही सीन है. दूसरी तीसरी चीज़ आपको और क्या मिलेगी, हाँ, वॉशिंग मशीन मिलेगी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलती है, जहाँ पे तुम अपने बढ़िया कपड़े वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती कपड़े धोने की, है ना. अदरवाइज कपड़े की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कपड़े धोने की, है ना, क्योंकि जब आप अकेले बाहर रह रहे हो तो ऑब्वियसली घर पे तो मम्मी सीधी वॉशिंग मशीन में डाल देती थी, हो जाता था. तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, सबसे बड़ा सुख मेरे को यही है कि कभी बेडशीट धोनी हो तो, या फिर कोई भी ब्लैंकेट हो गई, या फिर कुछ भी भारी भरकम कपड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो आप आराम से उसमें धो सकते हो, ड्राई कर सकते हो, छत पे भी सुखा सकते हो. तो मैं ना ये सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ. अब मैं ना आपको लेके चलती हूँ छत के ऊपर, छत दिखाती हूँ आपको. से मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, पहुँच गए हैं सेकेंड फ्लोर के ऊपर. फर्स्ट फ्लोर पे रहने का यही सबसे बढ़िया है, क्योंकि नीचे खाने वाला डाइनिंग वगैरह इन्होंने कर रखा है, तो बैठ के खाना खा लेते, फटाफट जा जाते, फटाफट वापस आ जाते हैं, वरना यहाँ प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे जाने में. तो दिस इज़ हाउ अवर छत लुक लाइक, ठीक है. सबके कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि आज संडे है ना, तो सबको आधी टाइम मिला है कपड़े धोने का. देख सकते हो दिस इज हाउ द सीन लुक लाइक, ठीक है. एंड ये ऊपर का फ्लोर है जो कि आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ. सारे फ्लोर पे एक्चुअली ऐसा है कि हर फ्लोर पे 5 रूम है, ठीक है. हर फ्लोर पे 5 रूम है, 3 सिंगल रूम मिलेंगे आपको, 2 आपको रूम ऐसे मिलेंगे शेयरिंग वाले, एक तो होगा ट्रिपल शेयरिंग का, एक होगा 4 शेयरिंग का, ठीक है. अगर आप 4 शेयरिंग के रूम में आते हैं तो 6,000 के अराउंड आपको कुछ पे करना पड़ता है, और अगर आप ट्रिपल शेयरिंग में आते हो तो 8,000 के अराउंड पे करना पड़ता है. और सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग का आई डोंट थिंक सो इस पीजी में अवेलेबल है. ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग और 1 शेयरिंग, डबल शेयरिंग का आई डोंट हैव एनी आइडिया ना अभी के लिए. और अगर आप सिंगल शेयरिंग में आते हो तो सिंगल शेयरिंग 3 टाइप के हैं. एक तो मेरा वाला रूम है जो बालकनी वाला है, तो बालकनी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है. अगर आप बालकनी वाले रूम में नहीं जाते हो, बाकी के 2 रूम हैं थोड़े से कंजस्टेड हैं, बालकनी नहीं है उसमें, तो मैंने नहीं प्रेफर किया उनको, उनमें थोड़ा सा अमाउंट कम लगता है, 1,000 तक का कुछ फ़र्क आ जाता है. देखो कितना ज़्यादा सही यहाँ पर सिनेरियो है छत का. आप देख सकते हो यहाँ पर भी लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, ये दूसरी किसी की जिसका घर है यहाँ पे उनकी छत है. अब हम चलते हैं नीचे. और हमारे खाने का कुछ ऐसा है कि सामने वाला जो पीजी मैंने आपको दिखाया था, दूसरी जो बिल्डिंग है वहाँ पे बनता है खाना, और खाना वहाँ से भैया लेके आते हैं, और यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया है इस पीजी के अंदर, तो वहीं पर सब लोग बैठ के खाना खाते हैं सुबह शाम, ठीक है. तो यस, खाने का कुछ ऐसा सीन है, और कैसा बनता है खाना वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है. और अगर आप बैंगलोर आ रहे हो तो मैं आपको बस प्राइसिंग ही बताना मेरा मेन था. मैं अपने फ्लोर पर आ चुकी हूँ. वैसे ये मेरा रूम, ये भी एक सिंगल रूम है, ये गेट है वो भी एक सिंगल रूम है,
ये एक फोर शेयरिंग रूम है, ये एक ट्रिपल शेयरिंग रूम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन था और मैंने कितना प्राइस लगता है वो भी बताया आपको, ताकि आप बैंगलोर आओ तो आपको दिक्कत नहीं होए प्राइसिंग के अंदर। मिनिमम आपको 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, मिनिमम बता रही हूँ आपको। फ्लैट भी लोगे तो भी तुम्हारा कितना अमाउंट पड़ जाएगा, इतना ही फ्लैट का भी पड़ जाता है। बट फ्लैट में ऐसा है कि तुम्हें और ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ वाटर बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका खर्चा और हो जाता है। तो फ्लैट भी 8,000, 9,000, 10,000 तक मिल जाता है अगर आप ढूंढो तो, है ना। और पीजी भी है, तो पीजी भी इज़ अ गुड प्लेस अगर आप आ रहे हो, रह रहे हो, ठीक है। तो पीजी बहुत अच्छी जगह है एक बार के लिए रहने के लिए। और अगर आप फ्लैट में ये शिफ्ट होना चाहो तो वो अनदर थिंग है, उसमें भी आप जा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। बैंगलोर आ रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो, ठीक है। और कोई क्वेरी है आपको बैंगलोर आने से रिलेटेड या कोई भी काम से रिलेटेड, प्लीज़ कॉमेंट बिलो, आई वुड लव टू क्लियर योर क्वेरीज। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं था, छोटा सा व्लॉग था। मैंने रूम टूर के साथ साथ आपको छत का टूर भी दिया, है ना। और यस, दैट इज़ ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।